श्री शिवाय नमस्तुभ्यम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। पूज्य गुरुदेव द्वारा बताया गया एक छोटा सा उपाय है जो आपको श्राद्ध पक्ष के दौरान करना है। श्राद्ध पक्ष के दौरान 16 दिन तक आप भगवान शिव पर जल और दूध, ध्यान रहे जल में आपको दूध नहीं मिलाना है, कच्चा दूध लेना है और अलग अलग भगवान शिव की शिवलिंग पर अर्पित करना है। भले ही आप एक चम्मच कच्चा दूध लें परंतु अलग से भगवान शिव की शिवलिंग पर समर्पित करें। पहले आपको पानी समर्पित करना है, फिर उसके बाद आपको कच्चा दूध समर्पित करना है। ये जो दूध और जल भगवान शिव की शिवलिंग पर आप अर्पित कर रहे हैं ये आपके पितरों को जाएगा, जिससे उनका आशीर्वाद आपको मिलेगा और उनकी कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी, जिसके साथ में आपके घर में सुख और शांति आएगी। इस बात का स्मरण आपको अवश्य रखना है कि आपको दूध और जल, भले ही आप दूध थोड़ा सा लें, दूध अलग से चढ़ाना है और जल अलग से चढ़ाना है, दोनों को मिक्स नहीं करना है और दोनों ही पात्रों में थोड़ा सा मीठा आपको डालना है। ध्यान रहे बिना मीठे के आपको दूध शिवलिंग पर अर्पित नहीं करना है, उनमें थोड़ा सा मीठा आपको डालना है और भगवान शिव के निमित्त आपको एक अच्छत यानी कि एक चावल का दाना पानी के लोटे में अवश्य डालना है। साथ ही आप अपनी मनोकामना के लिए एक बेल पत्ती पर शहद लगाकर भी भगवान शिव की शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं। उम्मीद है ये उपाय आपको अच्छा लगा होगा और अच्छे से आपको समझ आ गया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव।